सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपके चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जिन्हें आप फ्लिपकार्ट की सेल में 15,000 रुपये के आसपास खरीद सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन्हें आप अगर फ्लिपकार्ट की सेल में खरीदोगे तो वो आपको 15,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, वैसे इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इन फोन को फ्लिपकार्ट सेल में खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको 15,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके पास SBI कार्ड होना चाहिए, तभी आपको ये फ़ोन 15,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेंगे। नहीं तो ये फ़ोन आपको 20,000 रुपये के आसपास देखने को मिलते हैं अगर आप इन्हें अभी खरीदते हो तो। दोस्तों, कौन से स्मार्टफोन हैं जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ये जानने के दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको 5 स्मार्टफोन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस लिस्ट में मैं आपको जो 5 फोन के बारे में बताने वाला हूँ, दोस्तों इसमें कोई भी रैंकिंग नहीं है कि जो फोन मैं आपको पहले बताऊँगा वो पहले नंबर पर होगा या फिर वो 5वें नंबर पर होगा। दोस्तों, ये 5 फोन सेम रैंकिंग पर हैं, इसलिए दोस्तों आप इनमें कोई भी रैंकिंग मत समझना। बस मैं आपको 5 स्मार्टफोन बता रहा हूँ जो आपको इस सेल में काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पहले फ़ोन की बात करें तो ये पोको की तरफ से, या दोस्तों पोको X2, अगर आप इस फ़ोन को अभी खरीदते हो तो ये फ़ोन आपको 17,500 रुपये का देखने को मिलेगा, इसका जो बेस वेरिएंट है। लेकिन अगर आप इसे सेल में खरीदते हो तो दोस्तों ये आपको 16,500 रुपये का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे कार्ड से खरीदते हो SBI कार्ड से, तो इसके ऊपर आपको 1600 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये फ़ोन आपको 15,000 रुपये के आसपास पड़ सकता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों पोको X2 काफ़ी अच्छा फ़ोन था, जिसमें दोस्तों आपको सेल्फी के डुअल कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसे 15,000 रुपये के आसपास खरीद सकते हो अगर आपके पास SBI कार्ड है तो। दोस्तों, दूसरे फ़ोन की बात करें तो ये भी दोस्तों पोको की तरफ से है, जिसका नाम दोस्तों पोको X3 है। दोस्तों, ये फ़ोन आपको सेल के अंदर 17,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे SBI कार्ड से खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको 1700 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फ़ोन आपको 15,300 रुपये का आसपास पड़ सकता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों पोको X3 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको सिर्फ इसकी जो बैक पैनल है वही आपको पसंद नहीं आएगा, जो क्योंकि दोस्तों इसका जो बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक का दिया गया है, जबकि पोको X2 में आपको ग्लास बॉडी दी गई थी। दोस्तों, तीसरे फोन की बात की जाए तो ज़्यादा रियलमी की तरफ से, जहाँ दोस्तों रियलमी 7 आपको इस सेल में 15,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे SBI कार्ड से खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको प्रीपेड का 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को और मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फ़ोन आपको दोस्तों 12,600 रुपये तक में पड़ सकता है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों Realme 7 काफ़ी नया डिवाइस है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से फीचर दिए गए हैं, और दोस्तों इसकी जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है इस बार। अब दोस्तों बात करते हैं 4th फोन की, जो कि दोस्तों आता है ओप्पो की तरफ से। जी दोस्तों, ओप्पो Reno 2 है, आपको इस सेल में 17,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को SBI कार्ड से खरीदते हो तो आपको इसके ऊपर 1700 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको 1,000 रुपये का प्रीपेड वाला डिस्काउंट देखने को और मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ़ोन आपको 15,300 रुपये में पड़ सकता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों ओप्पो का ये फ़ोन आपको ऐसा है जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, प्लस दोस्तों इसमें जो डिस्प्ले दी गई है वो एक फुल व्यू डिस्प्ले है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी लगेगी अगर आप इसमें गेमिंग करते हो या फिर आप इसमें मूवी देखते हो, तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो। तो दोस्तों 15,300 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है ओप्पो की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें फोन की, जो दोस्तों आता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सैमसंग डिवाइस चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें चाइनीज ब्रांड का भरोसा नहीं होता। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपसे सैमसंग के Galaxy A50s की, जो कि दोस्तों ये फ़ोन आपको इस सेल में 14,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। अभी इसका प्राइस 18,500 रुपये के आसपास है, लेकिन अगर आप इस सेल में खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको 4,000 रुपये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसका पेमेंट SBI कार्ड से करते हो तो इसके ऊपर आपको 1400 रुपये का डिस्काउंट अलग से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों ये फ़ोन आपको 12,600 रुपये में पड़ सकता है, जो दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है, प्लस दोस्तों इसके अंदर जो कैमरा दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे कैमरा है। क्योंकि दोस्तों आपको सभी को पता है कि सैमसंग के फ़ोन के जो कैमरे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों 12,600 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है, आप इसे बिना टेंशन के परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो 5 फोन जिन्हें आप फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर 15,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें शर्त यही है कि आपके पास SBI का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप इन फोन को इतनी कम प्राइस में खरीद सकते हो। अगर आपके पास SBI डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने रिश्तेदारों से ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों SBI वो बैंक है आजकल सभी लोगों के पास देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों SBI का डेबिट कार्ड आपको आसानी से आपके रिश्तेदारों या फिर आपके दोस्तों में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे फोन है जिन्हें आप इस सेल के अंदर खरीद सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप इन फोन पर अच्छी डील ले सकते हो और कौन से वो फोन है जिनमें आप इस सेल के अंदर 15,000 रुपये कम कीमत में कह सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें और अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।